हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल आर्ट पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो जो पेंटिंग मैंने बनाया है वो बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए, बड़ा कीजिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप कलर को ब्लेंड कैसे करते हो और स्किन टोन के लिए शेड कौन से बनाते हो। तो आज के वीडियो में मैंने कोशिश की है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप जो बातें समझना चाहते थे वो आपको समझ में आए। दोस्तों, इस पेंटिंग के लिए जो मैंने रेफरेंस यूज़ किया था वो पिंटरेस्ट से लिया था। बहुत ही सिंपल पेंटिंग है, बहुत ही कम शेड्स यूज़ किए हैं मैंने इस पेंटिंग के लिए, स्किन टोन के लिए। तो आप वीडियो को देखिए, मैं वीडियो के साथ में आपको कुछ बातें बताऊंगा कलर ब्लेंडिंग के बारे में और शेड्स के बारे में जो मैंने स्किन टोन के लिए यूज़ किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस, मेरे पेंटिंग्स आपको पसंद आते हो तो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, कैमल के आर्टिस्ट कलर मैं मेरी पेंटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। सिंथेटिक हेयर ब्रश, फ्लैट और राउंड दोनों भी मैं मेरी पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बर्न टम्बर कलर से मैं मेरी पेंटिंग की शुरुआत करता हूँ। आइज वाला जो पार्ट है वो मैं पहले अच्छे से क्लियर करता हूँ, फिर बाद में मैं जो फेस पे स्किन टोन बना के शेड यूज़ करता हूँ। आइज वाला पार्ट है उसमें मैं डायरेक्ट वाइट नहीं यूज़ किया, मैंने थोड़ा ब्लूइश शेड बनाया है जो रेफरेंस पिक है उसमें मुझे नज़र आया तो मैंने यूज़ किया। और वर्मिलियन रेड उसमें थोड़ा सा वाइट ऐड करके मैं आइज के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आँखों वाला जो पार्ट है। उसके बाद ऑरेंज और उसमें वाइट, वाइट आपको आपके हिसाब से जो रेफरेंस पिक है उसमें जैसे नज़र आ रहा है उसके हिसाब से आपको यूज़ करना है। डिपेंड करता है कि आप पेंटिंग के लिए जो रेफरेंस यूज़ कर रहे हो उसमें कौन से शेड्स नज़र आ रहे हैं। मैंने जानबूझ के ये सिंपल वाला रेफरेंस लिया है जिससे बिगनर्स को भी समझ में आए कि मैं कैसे कलर को ब्लेंड करता हूँ। और इस पेंटिंग के लिए जो स्किन टोन मैंने यूज़ किए हैं वो बहुत ही कम शेड यूज़ किए हैं, क्योंकि जो रेफरेंस पिक है बहुत ही लाइट है इसीलिए। तो नियॉन ऑरेंज, नेपल्स येलो और वाइट, ये तीन शेड मिला के मैं अभी पूरा फेस को कवर करूँगा। एक्रेलिक मीडियम ऐसा है, आप डार्क टू लाइट भी कर सकते हो और लाइट टू डार्क भी आप वर्क कर सकते हो। हल्के से कुछ शेड्स मैंने इसमें ऐड भी किए हैं जैसे येलो और ऑरेंज, लेकिन वो बहुत ही कम फेस के लिए। कि फ्लैट पेंटिंग में भी आप फेस को राउंडिटी ला सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे मैं बहुत सारे शेड नहीं यूज़ करा, एक ही शेड मैंने बनाई है, नियॉन ऑरेंज, नेपल्स येलो, वाइट मिक्स करके, और वही शेड में पूरे फेस को कवर कर रहा हूँ उसी शेड से। पेंसिल जो लाइंस रहती है वो आपको अच्छे से इरेज करने हैं पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कुछ कलर्स में बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है तो वो पेंसिल वाली जो लाइंस है वो बाद में दिखाई देती है पेंटिंग में, तो उसको अच्छे से इरेज करना है, लाइट करना है। सेम शेड में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज ऐड किया ताकि पेंटिंग पूरी तरह से फ्लैट ना हो जाए। येलो ऑकर में वाइट ऐड करके ये यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। आईब्रो वाला जो पार्ट है वहाँ पे मैंने बर्न सीना, थोड़ा सा वर्मिलियन और वाइट ऐड किया है, बाद में मैं उसको बर्न टम्बर कलर से कवर करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ड्राइंग क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाद में कलरिंग में कुछ मिस ना हो जाए। एक्रेलिक में अगर आप पोर्ट्रेट पेंटिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत जो रेफरेंस पिक में जो जिनका भी आप कर रहे हो उनका कैरेक्टर थोड़ा बहुत मिस हो ही जाता है दोस्तों, क्योंकि कलर करते टाइम ड्राइंग संभालना ये भी एक बड़ा टास्क होता है। तो वर्मिलियन प्लस वाइट, वाइट ज़्यादा लिया, वर्मिलियन कम, इससे मैं फेस को जो चीन वाला पार्ट है वहाँ पे कवर करूँगा। कई जगह पे मैंने नियॉन पिंक कलर भी यूज़ किया है, अगर आप गालों के ऊपर अगर देखोगे तो। नोज़ के ऊपर जो लाइट आ रहा है उसके लिए नेपल्स येलो, वाइट और नियॉन ऑरेंज, इसमें भी वाइट ज़्यादा है, नेपल्स येलो और नियॉन ऑरेंज कम है, ये शेड मैंने यूज़ किए हैं। लिप्स वाला जो पार्ट है
लिपस्टिक हैं उनकी, जो क्रिम्जन, नियॉन पिंक और वाइट, ऐसे तीन शेड में कलर करनी है। तो नियॉन पिंक और नियॉन ऑरेंज, ये दो शेड मैं मेरे पेंटिंग के लिए बहुत जगह पे यूज़ करता हूँ, खास करके जब एक्ट्रेस की पेंटिंग करनी होती है, क्योंकि उनके फेस पे जो मेकअप रहता है वो दिखाने के लिए मैं ये दो शेड यूज़ करता हूँ, जिससे थोड़ा सा ब्राइटनेस आता है और पेंटिंग अच्छा ब्यूटीफुल लगता है मेरे हिसाब से। आपको कैसे लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। टीथ में थोड़ा सा येलो ऑकरिश कलर ऐसे यूज़ किया, फिर बाद में वाइट यूज़ किया। बट नंबर कलर से मैं जो आई वाला पार्ट है, आईब्रो वगैरह, वो करूँगा। हल्का सा ब्लैक कलर भी यूज़ किया मैंने यहाँ पे। बालों के लिए वन टम्बर थोड़ा सा ब्लैक, ब्लैक बहुत कम यूज़ किया है। डार्क टोन अगर आप चाहते हो तो कई जगह पे आप कई शेड जो रहते हैं उसमें ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हो। हालांकि आपको येलो ऑकर और कुछ ऐसे शेड्स हैं उसमें ब्लैक नहीं ऐड करना है, क्योंकि वो ग्रीनिश शेड बन जाती हैं। तो यहाँ पे बर्न टम्बर के साथ बर्न सीना वर्मिलियन भी मैंने यूज़ किया है, जो हेयर वाला पार्ट है। बहुत सारे बालों के ऊपर हाइलाइटर करते हैं एक्ट्रेस, हर एक मूवी में उनका अलग अलग लुक रहता है, तो उसके हिसाब से उनकी स्टाइल भी, जो हेयर स्टाइल वगैरह है, वो चेंज होती रहती है। बैकग्राउंड के लिए जो शेड यूज़ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। आप कोई भी शेड मत यूज़ करो, शेड आपको ऐसे यूज़ करनी है जिससे पहली नज़र फेस पे ही जाए, बाद में बैकग्राउंड पे जाए और ओवरऑल वो पेंटिंग लगे। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा गॉडी लगेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है पेंटिंग का, जो रेफरेंस मैंने देखा था उसमें अगर आप देखोगे तो ये जो फेस है, फेस के ऊपर ज़्यादा कुछ लाइट ऐसे डार्क टोन नहीं है, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड में मिडल टोन ही यूज़ किया है। कोबाल्ट टेल कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट कलर है दोस्तों। बहुत सारे पेंटिंग में मैंने ये बैकग्राउंड के लिए या क्लोथ के लिए यूज़ किया है। ये देखिए हाइलाइटर जो रहता है बालों के ऊपर, उसके लिए मैंने येलो ऑकर और थोड़ा सा वाइट ऐड किया है। नियॉन पिंक और वाइट लिप्स के लिए, और जो हाइलाइट है लिप्स पे उसके लिए मैंने डायरेक्ट टेक्सचर वाइट यूज़ किया है दोस्तों। अभी ये जो वर्क में कर रहा हूँ फाइनल टचअप, जो लाइट वाला पार्ट है, वैसे तो पेंटिंग बहुत ही लाइट है, उसके ऊपर भी जो हाइलाइट वाला पार्ट है उसके लिए मैं डायरेक्ट वाइट नहीं यूज़ कर रहा, लेमन येलो, थोड़ा सा नियॉन ऑरेंज और वाइट, ऐसे तीन शेड, तीन कलर मिक्स करके मैंने जो शेड बनाई है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग में आपका जितना ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा उतना ही आप पेंटिंग अच्छे से बना पाओगे दोस्तों। खास करके अगर आप हाइपर रियलिस्टिक जैसे वर्क कर रहे हो या पॉलिश पेंटिंग जैसे वर्क करते हो। तो मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, आप जितना प्रैक्टिस करोगे और पेंटिंग्स के वीडियोस देखोगे उतना ही आप ज़्यादा सीख पाओगे। यहाँ पे देखो मैं फेस को थोड़ा राउंडिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वर्मिलियन प्लस नेपल्स येलो, उसमें थोड़ा सा वाइट ऐड करके मैंने ये शेड बनाई है, लेमन येलो और वाइट, वाइट ज़्यादा, लेमन येलो हल्का सा, यहाँ पे लाइट वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरी वर्क करने की प्रोसेस है दोस्तों। ये जो पेंटिंग था बिगनर को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है, मैंने पहले ही कहा था, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ही लाइट पेंटिंग है। लाइट जो है वो सामने की तरफ से आ रहा है, इसलिए बहुत ही लाइट पेंटिंग है, फिर भी उसको राउंडिटी दी है मैंने। अब देखोगे तो कैसे किया है, ये वीडियो को आप अच्छे से और पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं जहाँ पे ये पेंटिंग कर रहा हूँ वहाँ पे बारिश जैसा मौसम है, तो कलर जो है वो जल्दी ड्राई नहीं हो रहे, इसलिए ये पेंटिंग मैंने 3-4 घंटे में ही कंप्लीट किया दोस्तों। कलर जल्दी सूख नहीं रहे थे एक्रेलिक, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, बारिश के सीज़न में ऐसे होता है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों,
मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर पसंद आते हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू।